सी आई ई टी एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का खत्म हो जाए तो पृष्ठ एक सौ दस बस का सफर आज हम अहमदाबाद से लगभग अठारह किलोमीटर दूर अडालच की बावड़ी को देखने जा रहे थे हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थीं। करी हम चौंक गए हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई यह एक बड़ा सा चौराहा था मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था पों 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 का शोरगुल, कितना धुआं, शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था मुझे अजीब सी बू आ रही थी जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है पृष्ठ 111 सौ यहाँ पर रेड लाइट पर खड़े हुए ट्रैफिक का चित्र दिया गया है चित्र देखकर लिखो कौन कौन सी गाड़ियाँ सड़क पर दिखती हैं इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है क्यों जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते हैं ये बताओ वाहन के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है बताओ क्या तुम साइकिल चलाते हो? हो? यदि तो उससे कहा -कहा जाते हो? तुम स्कूल किस तरह जाते हो तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं क्या गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है किस तरह की क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है किस तरह की पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर में आएगा सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पृष्ठ 112। एक पोस्टर था तेल का भंडार सीमित है इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से ही पूछते हैं अब्राहम ने पूछा भैया यह तेल कहाँ से मिलता है पेट्रोल डालने वाले भैया ने बताया जमीन के बहुत नीचे से मंजू बोली जमीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है भैया बोले यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे अब्राहम ने पूछा तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह भैया बोले यह हर जगह नहीं होता देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है निकालने साफ करने के लिए बड़ी मड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है पृष्ठ एक सौ तेरह पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए सोचो क्यों आगे की बातचीत दिव्या बोली पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या पोस्टर पर लिखा है कि भंडार सीमित हैं भैया बोले हम जितनी तेज़ी से निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं अब्राहम बोला अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेंगी मंजू बोली सी से मैंने टीवी पर देखा था इसमें धुआं भी कम होता है भैया हंसते हुए बोले अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है दिव्या बोली बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है अब्राहम बोला कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे दिव्या बोली अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी वे कहती हैं तोबा चीटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा मंजू बोली हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं सब बस में क्यों नहीं जाते अब्राहम बोला हाँ पेट्रोल तो बचेगा एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं मंजू बोली मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करो पृष्ठ एक सौ चौदह ज़मीन से खजाना यह पता लगाना आसान नहीं कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है इसी तेल से हमें मिलता है कैरोसिन डीजल पेट्रोल इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन जानते हो एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस मोम कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है कितना तेल खर्च हो जाता होगा घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। लिखो अगर किसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो मंजू ने कहा सब बस में क्यों नहीं जाते सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते बताओ बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फ़ायदे हैं सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ पृष्ठ एक सौ पंद्रह पता करो और लिखो कितना तेल लगे बताओ ये वाहन एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाए स्कूटर कार ट्रैक्टर। अब बताओ ये वाहन एक लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूर जाए स्कूटर कार ट्रैक्टर हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है इसे देखकर प्रश्नों के उत्तर दो पेट्रोल सन 2000 में एक लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है उनतीस रुपये इक्यानवे पैसे सन 2007 में एक लीटर की कीमत अक्टूबर में है तैतालीस रुपये बावन पैसे और सन 2014 में एक लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है सड़सठ रुपये छियासी पैसे इसी प्रकार डीजल सन 2002 में एक लीटर डीजल की कीमत अक्टूबर के महीने में है अठारह रुपये इक्यानवे पैसे सन 2007 में एक लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है तीस रुपये अड़तालीस पैसे और इसी तरह सन 2014 में एक लीटर की कीमत है अक्टूबर के महीने में अट्ठावन रुपये सत्तानवे पैसे अब बताओ सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था पता करो तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है किस किस काम में बताओ पृष्ठ 116 सौ यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ तेल की बचत आपकी आदत इसमें है हैंगर में कुछ कपड़े सूख रहे हैं और एक लालटेन है बताओ मैं छुपा हूँ कहाँ कहाँ रोशनी में ड्राई क्लीनिंग में यहाँ पर हवाई जहाज़ मोटर गाड़ियाँ और ट्रैक्टर हैं लिखा है मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ पेट्रोल डीजल और वायु या ईंधन के रूप में इसके अलावा यहाँ पर गैस सिलेंडर और जनरेटर है लिखा है मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ मिट्टी के तेल और गैस के रूप में यहाँ पर है मोटर पंप और रंग रोगन का सामान लिखा है मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ मशीनों में प्लास्टिक रंग रोगन में पोस्टर को देखकर बताओ तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है पता करो पृष्ठ एक सौ सत्रह दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई पढ़ो और चर्चा करो बताओ बताओ कौन हूँ मैं काला काला गाढ़ा तरल जीवन जीना करे सरल सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं धीरे धीरे खर्चो मुझे बचाओ सीमित है मेरा भंडार लाखों साल में बन जाता हूँ नहीं अब मेरी भर मार जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे फिर भी ज़ाया मुझे करेंगे सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं सोचो और चर्चा करो तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा तेल बचाने के तरीके सुझाओ घर में चूल्हा कैसे जले दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है दिन में कई घंटे उसके चूल्हे की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में चले जाते हैं उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है दुर्गा को कई महीने से खांसी है सीली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए चर्चा करो क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं उपले कैसे बनते हैं क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं पृष्ठ एक सौ अठारह तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है क्यों नहीं आज हमारे देश के लगभग दो तिहाई लोग उपले लकड़ी सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं आग सेकने पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी घर के अलग अलग कामों के लिए और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है जैसे कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल एल यानी खाना पकाने की गैस कोयला बिजली आदि कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा चार्ट में दिया गया है 20 साल में बदलाव यहाँ पर दिखाया है कि सन 1976 में उपले और लकड़ी चौरासी प्रतिशत खर्च होते थे और 1986 में पिछहत्तर प्रतिशत उन्नीस में एलपीजी गैस और कैरसिन दस प्रतिशत खर्च होता था और सन उन्नीस में अठारह प्रतिशत सन 1976 में पाँच प्रतिशत कोयला खर्च होता था और सन उन्नीस में दो प्रतिशत सन 1976 में बिजली एक प्रतिशत खर्च होती थी और सन उन्नीस में पाँच प्रतिशत देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था पृष्ठ 119. 1976 में एलपीजी और कैरोसिन का इस्तेमाल रिक्त स्थान घरों में था जो उन्नीस में बढ़कर रिक्त स्थान हो गया यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल रिक्त स्थान प्रतिशत बढ़ा उन्नीस में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था उन्नीस में किसका इस्तेमाल सबसे कम था उन्नीस में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था अपने घर में बड़ों से पता करो जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था पिछले दस सालों में तुम्हारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज़ का घटा है अनुमान से बताओ अगले दस सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा हम क्या समझे किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस मिनी बस का डिजाइन बनाने का मौका दिया है तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो बस का डिजाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा बुजुर्ग छोटे बच्चे जो लोग देख नहीं पाते तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार भी लिखो तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे खत्म हो जाए तो अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का बारहवा पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत